आज का जो लेक्चर सेमिनार है ये सीरीज है, वो जो हमारे लेक्चर सेमिनार्स हो रहे हैं उसी की एक, और इसमें जो है जनरली हमने इस सेमिनार को जो है बजाय इसके कि इन फॉर्म ऑफ अ लेक्चर, हमने इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव रखा है। और उसके पीछे जो एक बुनियादी वजह है इसको इंटरेक्टिव रखने की, वो ये है कि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें, वो इस डिस्कशन में शामिल हो सकें। तो हम आ जाएँ लेक्चर सेमिनार की तरफ। तो आज की जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर जुनेद अकबर शाह साहब जो हैं, डॉक्टर शाह साहब ही इज़ एन एनर्जेटिक मैन हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 3 decades ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर लॉज, सिक्योरिटी एंड ISO सर्टिफिकेशंस। डॉक्टर जुनेद हैज़ एक्वायर्ड डबल मास्टर्स एंड ही हैज़ PhD। ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट एंड MSc इन क्रिमिनोलॉजी एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग, फील्ड वर्क, मोटिवेशन प्लानिंग, साइकोलॉजी, यूथ प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशनल मैनेजमेंट। ही हैज़ रिमेंड एन ऑनरी फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ सिंध रूरल डेवलपमेंट स्टडी सेंटर एंड क्रिमिनोलॉजी। ही अरेंजेज लेक्चर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंट रिसर्च पेपर्स। सो यू आर लकी टू हैव सच पर्सन हियर हु हैज़ कम टू थ्रो अ लेक्चर एंड हैव सम इंटरेक्टिव टॉक विद यू पीपल फॉर द इनसिक्योरिटीज विद इन द यंग जनरेशन। सो जस्ट गेट द एडवांटेज, गेट द बेनिफिट and be part of this interactive activity. So before starting our session, I would like to request our worthy Vice Chancellor, Sir Professor Dr. Bhai Khan Shah Sahab. So he is the behind source or the person who is actually have the keen idea of organizing these lectures for you people. So I would like to request Sir Professor Dr. Bhai Khan Shah Sahab. Sir, please say few words. Okay. Regarding the lecture. Okay, thank you so much. I can say simply that today we are privileged to have such an eminent personality with us who would be talking on very important subject too. And Dr. Junaid Akbar Shah, he has remained kind enough. He is very closely associated with this institution, right from the CA to the SAPS University. And I think if anybody has visited the Matyari sugar mills, you will find another CA there. So you'll find a lot of work of the students and, you know, and we are very closely related with each other. We are grateful to him, specifically last time, the person of international repute he brought here, Dr. Waleed Ziyad. I think I would request you, or simply I will suggest everybody of you, to listen the lectures again and again, so that the things which are missed here, you can, you know, count on them again. And I'm not taking the long time, so thank you so much. And it's really good, nice to see smiling, young, energetic faces. And today we have slightly changed it to make it more interactive than simply, you know, the seminar commanding. So more interactive. और इसमें मैं समझता हूँ कि काशिफ शहजाद ने एक ज़बरदस्त बात कही है, मिस नहीं होनी चाहिए, कि आप लोगों को ये मौका जो मिलता है वो ख़ुद सवाल करने का और बात करने का मौका मिलता है, इस अपॉर्चुनिटी को कभी आप मिस न करें। आप सब अपने पास पेन और कलम रखें और कोई ना कोई सवाल गलत बराबर का कभी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे हम अपने घर के माहौल में बैठे हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी आपको लिसन नहीं कर रही। हम आप लोगों का जो है मतलब वो जो इंटरैक्टिव थॉट है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप बेशक उर्दू में सवाल करें, बेशक सिंधी में करें, बेशक इंग्लिश में करें, कोई इशू नहीं है, हर जुबान ये समझी जाती है।
तो बहरहाल मैं आपको इनक्रेज करूंगा कि सवाल ज़रूर करें. सो आई एम नॉट टेकिंग टू लॉन्ग सर, थैंक यू सो मच. नाउ आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द वाइस चांसलर साहब दिस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द यूथ. And as this Mr. Kashid Shahzad Saab, and I will proceed, I'll take this ahead, that what the Kashif Shahzad Saab said and what did the Vice Chancellor said. मुझे मेरे lecture का यहीं पे पता चल जाएगा कि अगर आपने मेरे से सवाल किए तो मतलब है कि आपकी जो insecurities हैं वो ख़त्म हो गई हैं. अगर सवाल नहीं किया, आपका interaction नहीं आया, तो फिर पता चलेगा कि नई इनसिक्योरिटीज़ आपकी वहीं पे थी और मेरी जो है ना इसमें कोई कंट्रीब्यूशन मैंने जो कोशिश की नहीं हो सकी है. तो आई आल्सो विल लाइक टू एडमायर माय टीम, दो दिस कंसेप्ट इज़ इन माय माइंड सिंस सो मेनी इयर्स, लेकिन माय टीम हैज़ बीन वर्किंग विथ मी लाइक शाहज़ेब माय कोलीग एंड माय एंटायर टीम सिंस लास्ट 10 to 12 डेज. We have developed all this material for you and with inshallah we'll try. जो आप लोगों के खदशात होते हैं, uncertainties होती हैं ना, उसके लिए एक form आपको दिया. अगर किसी ने इसका form का वो जो लिखा हुआ है date of death, अगर किसी ने वो form ये भरा है तो please raise a hand. नहीं, सिर्फ अगर ये सवाल किसी ने, अगर आई विल नॉट आस्क के क्या लिखा है, सिर्फ ये बता दें कि आपने इसमें कुछ लिखा या नहीं लिखा. नहीं लिखा, मतलब आपको अनसर्टेनिटी है डेथ की ना, कब होगी, लेकिन फिर भी आप घूम रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो है. बाकी इनसिक्योरिटीज आपको क्यों जो है मसला किए हुए हैं. देखिए, डेथ सबसे पहले हकीकत है ना, हम मानते हैं ना कि मौत तो आनी है, लेकिन हम मौत का आपने लिखा ही नहीं है कि मेरी, जैसे आपको पता है अगर मैं यहाँ लिखता डेट ऑफ बर्थ तो आप शायद लिख लेते ना ये मेरी है, लेकिन आपने डेट ऑफ जो डेथ है वो नहीं लिखा, मतलब यू डोंट नो व्हाट इज़ अवर डेट ऑफ डेथ. तो बाकी जो ये सबसे बड़ी जो है ना चीज़ है जिसको आदमी को तंग करती है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है. अगर सुबह से आप उठ के ये सोचें, जब यहाँ बस में, गाड़ी में, व्हेन यू आर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी और देख रहे हैं कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, तो क्या कर सकेंगे आप? नथिंग. तो बाकी जो आपको इनसिक्योरिटीज़ है, जो कुछ मैंने यहाँ आपको लिखा था कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ अगर सेट कर सकें, अगर नहीं कर सक रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, तसल्ली के साथ आप घर में ज़रूर देखिएगा कि इनको आप कैसे प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं. जी सही, तबीर है. हॉवर्ड स्कूल की अभी एक जो है ना रिसर्च हुई है, उसमें लेटेस्ट रिसर्च में ये पता चला है कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं ना, तो 5 साल के बाद वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं. तो जैसे मैंने पढ़ा था अबू बिन अधम, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास चेंज नहीं हुई. तो चीज़ों को ना चेंज करना सीखें. जैसे हमारे मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट लाइज ओवर द चेंज ऑफ गियर्स. आप यहाँ से गाड़ी में बैठें, जाम शोरों से हैदराबाद चले जाएँ और गाड़ी की गियर अगर चेंज न करें तो क्या होगा? वही होगा, गाड़ी की इंजन तबाह हो जाएगी, सारा जो है ना ऑयल ख़राब हो जाएगा, गाड़ी कहीं रास्ते में हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए. चेंज करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि चेंज नहीं कर रहे हैं. हाँ, अपना मोबाइल फ़ोन 1 साल में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस हैं, जो हमारे कंसेप्ट हैं ना, वो वहीं रखे हुए हैं, जिसका हमें डर है कि ये हो जाएगा, सुबह मैं उठूँगा तो ये होगा, मेरे चेहरे पे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, मैं कैसे उसको जो है ना लोगों को फेस कर सकूंगा, मैं जब बोलता हूँ तो मुझे बोलने का मसला है, मुझे लैंग्वेज का बैरियर है. तो ये हमने पता नहीं कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज रखी हुई हैं. जी, आपको सबको ये नोट मिल गया है.
लटे बैठा है ना, सब मुझे देखते हैं लटे बैठे। तो आपको नहीं मिला है, सही दे तो था। प्लीज़ अगर आपको नोट मिला है तो ज़रा दिखा दें। साईं काशिप शहजाद साहब जी, साईं जी प्लीज, ये कोई बता सकेगा इस नोट से हम क्या ले सकते हैं जी? चाय, साईं ने कहा, आप बताएं साईं। यस दिस साइड, यहां से कोई बता दें जी 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 जी। यस यस यस, कलम भी ले सकते हैं। यस जी, अभी ये जरा नोट दोबारा जरा ऊपर कीजिएगा और इसको देखें। मैं मुझे देखिएगा मैं क्या करता हूँ इसके साथ, ये जरा करें देखें, करें करें प्लीज, करें 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 प्लीज, करें प्लीज करें। और ये आप नोट इसी तरीके से अपने पॉकेट में या अपने वॉलेट में या पर्स में रखते हैं। अब जो है ना आगे जी, ये आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड के ऊपर जो है ना, वो देयर आर थ्री एलिफेंट्स एंड देयर वॉज अ स्मॉल एलिफेंट, मीडियम एलिफेंट एंड लार्जर साइज एलिफेंट। तो दे व्हेन दे वर क्रॉसिंग द ब्रिज, तो तीनों एलिफेंट ब्रिज में नीचे कैनाल में गिर गए। तो जब स्मॉल एलिफेंट से पूछा कि हाउ मैनी एलिफेंट्स वर देयर, तो उसने कहा कि देयर वर फोर एलिफेंट्स, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, तीनों जब गिरे दरिया में कैनाल में। तो स्मॉल वाले ने पूछा तो उसने कहा कि चार थे एलिफेंट्स। कोई बता सकता है चार कैसे जी? रिफ्लेक्शन, अच्छा पानी में उसने देखा चौथा जी। और कोई गुड, मतलब कोई जवाब तो आ रहा है जी, एक दो के बराबर था, थोड़ा हैवी था तो उसको ये लगा। यस और कोई? तो बीच वाले बड़ा था तो उसने देख नहीं सका। यस यस, एनीबॉडी एल्स? उनको तीन हाँ लगा, चार हैं। यस यस, अच्छा सही, अच्छा। मतलब मुख्तलिफ सबब हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि जो छोटा एलिफेंट था जिसे पूछा, तीन थे शिमाल, मीडियम, लार्ज, और शिमाल से पूछा उसने कहा कि चार थे, इसीलिए कहा था कि उसको गिनती नहीं आती थी। तो देखें हम जो है ना, कभी कोई कंसेप्शन कोई लेके बैठे हुए होते हैं और उस पर बहस मुबाहसा कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, निकलते नहीं हैं, कहते हैं नहीं जी मैं तो ये पेपर ड्रॉप कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉपिंग दिस पेपर, मैं आज नहीं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, आज सर ने जो असाइनमेंट दी मेरी कंप्लीट नहीं। हम किसी मिसकंसेप्शंस पे ना चल रहे होते हैं और उस पर हमारा जो है ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि क्या जाके कहेंगे, लोगों से क्या पेश आएंगे, आज मुझे कपड़े सही पहने नहीं हुए हैं, आज जो है ना मेरे पास शूज़ सही नहीं है, आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे को जो है वो ये मसला है, ये होगा, आज मेरे से लोग हंसेंगे, आज मेरी बर्थडे है और मैं जाऊंगी तो वहाँ पे वो बर्थडे वाला मेरे पास वो सूट नहीं है। तो वो हम उसी, मतलब वो तो एक छोटा सा एलिफेंट था, हम भी उसी तरीके से ना हम मिसकंसेप्शंस में चल रहे हैं।
एक उस्ताद था, उसने क्लास में पढ़ा रहा था कि अगर मैं आपको दो कबूतर दूं, एक बंदे से पूछा, टू पिजन्स आपको दिए और टू पिजन्स आपके भाई को दिए, तो कितने हुए? उसने कहा पांच। देख रहे हैं ना आप यहाँ। फिर उसने पूछा, बेटा मैं अगर आपको, यू कैन सी दिस हियर, बेटा मैं आपको अगर दो कबूतर दूं आपको और दो आपके भाई को दूं, तो उसने कहा पांच, फाइव। देन ही अगेन रिपीटेड वेरी पोलाइटली, बेटा देखो ये एक ये दो, इफ आई, दिस इज वन दिस टू, व्हेन आई गिवन यू टू पिजन्स एंड सेम नंबर वन एंड टू, टू मोर पिजन्स टू दे ब्रदर, ये कितने हुए? उसने कहा पांच। फिर उन्होंने कहा ठीक है, पिजन्स तो वहाँ थे नहीं, पेंसिल क्लास से मंगवाई, उसको दो पेंसिल्स दी कि अगर मैं आपको दो पेंसिल्स दूं और दो आपके भाई के लिए दूं, तो कितने हुए? तो उसने कहा चार। वेरी गुड, दिस इज अ करेक्ट आंसर। फिर उसने रिपीट किया कि अगर मैं आपको दो पिजन्स दूं एंड अगेन टू पिजन्स फॉर योर ब्रदर, हाउ मेनी पिजन्स? फाइव। तो उसको गुस्सा आ गया, उस्ताद ने कहा जब तुम्हारे को बात समझ में नहीं आ रही, आई डोंट नो, साईं वालों को तो गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन उसने कहा कि व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हेन आई से टू पिजन्स प्लस टू पिजन्स यू से फाइव, व्हेन आई से टू पेंसिल्स एंड टू पेंसिल्स यू से फोर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू? दो पिजन आपको दिए, दो भाई को दिए, तो कितने हुआ? उसने कहा पांच। उसने कहा कैसे? उसने कहा एक मेरे पास पहले से ही है। तो देखिए हम जो है ना, वो पहले से ही कुछ कंसेप्शंस लेके घूम रहे होते हैं, और फिर वो उसको, वही मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फ़ोन तो हम चेंज कर लिया, मोबाइल फ़ोन को देखा साल हो गया, चेंज कर लें, ये चीज़ ख़राब हो गई, लेकिन हमारे जो दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं ना, उसको भी तो निकालें, उसको मिसकंसेप्शंस को छोड़े, इनसिक्योरिटी को छोड़े, आगे बढ़ना है हमें। अच्छा, उसके लिए जो आज की जो डेवलपमेंट हुई है मॉडर्न साइंसेस की, उसमें है कि वही स्टूडेंट कामयाब हो सकता है जिसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है स्किल और दूसरा है कैरेक्टर। स्किल तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी आते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, मिल जाती हैं, और कैरेक्टर के लिए मैं आपको बताऊँ कि किसी से पूछा कि जी व्हाई डोंट यू स्माइल, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तो ही वॉज साइलेंट। फिर दोबारा पूछा कि जी आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, उसने कहा साहब साईं जब ये कोई मेरे सही दिन आएंगे ना, देन आई विल स्टार्ट स्माइलिंग। सही दिन कौन से? तो ही रिप्लाइड देन आई विल हैव सम बैंक बैलेंस, आई विल हैव सम कार, सम व्हीकल, some good job। तो देखें वो जब टाइम आएगा तो इसको मुस्कराना भूल चुके होगा, वो फिर मुस्करा नहीं सकेगा। तो मुस्कराना तो अभी चाहिए हमें, ये जो है ना, हम आई मस्ट कोट सम एग्जाम्पल ऑफ माई ऑफिसर। मेरा एक मैनेजर था, एग्जैक्टली इसी लाइन्स पे काम करता था ना, जब मेरे ऑफिस में बैठा हुआ मैं इसकी आंखों से देख सकता हूँ कि ही इज़ नॉट हैप्पी। मैं उसको बोलता था कि योर फेस इज़ वेरी सेंसिटिव, पता चल जाता है यू आर नॉट हैप्पी। तो वो कहता नहीं साईं ये है, वो कहता था ये गलत ये गलत ये गलत, मुस्कुराता नहीं था, और मुस्कुराता उसको यही कंसेप्ट था कि मुस्कुराऊँगा तब जब मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, ये होगा। फिर आदमी मुस्कुराना भूल जाता है, जब ये चीज़ें आ भी जाए ना फिर मुस्कुरा नहीं सकता। तो अब उसके पास वही हुआ, प्रमोशन हो गया, मैनेजर हो गया, गाड़ी मिल गई, सब हो गया, शायद मुस्कुराता भी हो, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस के सारे लोग इससे दूर भागते हैं, वो कहते ये तो वही है ना, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो देखें आपको टाइम से चीज़ें को करना है, और सबसे आपने अगर देखा हो कि कहीं पे आपकी गाड़ी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने रोकी, कोई पुलिस वाले ने रोकी, ही विल लुक इन योर आइज। सबसे ज़्यादा चीज़ें आँखों से पता चलती हैं, आपका जो जेस्चर है, गुस्से में हैं आप, खुशी में हैं आप, किसी चीज़ में हैं, ज़बान से जो स्टडी हुई है 7% चीज़ आपको ज़बान से होती है,
बाकी सारी चीज़ें आँखों से होती हैं। तो हम हर वक्त नाराज़ नाराज़ क्यों रहते हैं? इसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हम कह रहे हैं ये सही नहीं है, मुझे सॉरी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, शायद आई हैव लिमिटेशंस, लेकिन वो लफ्ज़ बता दूँ कि ये हरामी ये यूँ करता है, ये यूँ करता है, मतलब व्हाट इज़ दिस? आप अच्छे हैं, आप लोगों को अच्छा देखें। मेरी तो अम्मी कहती थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कि मैन इज़ द मिरर ऑफ द अदर मैन, जैसा खुद होगा उस आईने में उसको वही दिखाई देगा। तो हम क्यों नाराज नाराज घूम रहे हैं? और इस नाराजगी का कभी आपने सोचा है कि आपको फायदा क्या हुआ है? आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो हमें जो है वो अपनी चीजों को सही सिमत पे लाना है। अच्छा, हम काफी जो है ना, हमारी मैनेजमेंट साइंसेस बोलती है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको जो 3 साल पहले मसले थे, मोस्ट ऑफ द पीपल मोर देन 90%, और 3 साल के बाद वही मसले अभी भी हैं। तो मतलब है कि आपने कौन सा कमाल कर दिया इन मसलों को दिमाग में रख के, अपने जेब में रख के, अपने पर्स में वॉलेट में रख के, अपने आप को तबाह किया, सोचें कि अपना टाइम गंवाया, पढ़ नहीं सके, पीछे चले गए। तो आप इन मसलों से निकलें विद द परमिशन ऑफ द वर्दी वाइस चांसलर। ये भी तो कभी आपकी तरह इन सीटों पे बैठे होंगे ना, इन चेयर्स पे डेस्क पे बैठे होंगे ना, इनके भी कभी मसले होंगे ना, इन्होंने भी तो सोचा होगा ना, इन्होंने भी ख्वाब देखा होगा ना, और फिर आ गए, आज वाइस चांसलर है, सारी दुनिया इनको जानती है। यही आपके फैकल्टी के जो मेंबर्स यहाँ बैठे हुए, आपके असातिज़ा, इनके भी तो मसले होंगे। अगर मसलों में रहते तो क्या होता? ये यहाँ नहीं पहुँचते। ये जो आगे बढ़े हैं, मतलब इन्होंने बड़ा ख्वाब देखा, मसलों को उठा के पीछे कर दिया। तो हमें भी ना जो वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे आना है। मसले हैं, मसले वो जो है ना कि अला साई ने जिसको पैसे दिए हैं उसका भी इम्तिहान है, और जिसको पैसे नहीं दिए उसको पैसे नहीं दे के भी इम्तिहान ले रहा है। हर वक्त आदमी तो इम्तिहान में है। हम क्यों समझ रहे हैं कि सिर्फ हम ही जो हैं, हमारे से ही ये होता है? वो कोई बैठता है ना, वो मेरे से ही ये होता है, मेरे से ही ये होता है, ये नहीं है। हर आपको किसी को बोले तो सही, देखें तो सही, हर बंदे को प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा बंदा, जो सही सुलझ बंदा है, वो यही है कि मसलों को छोड़े, आगे बढ़े, और अपनी जो हमारी जो एक मिसकंसेप्शंस है ना, उनको चेंज करें, हम आगे ले आए। Insecurity is a common feeling that someone of the people experience at some point. Hum ye isko discuss kar bhi chuke hain. Not being good enough and uncertainty. Yehi hum baat isko pehle maine kafi explain karne ki koshish ki hai. Ji haan. Jisme hamare goals aa jate hain, hum samajhte hain ki ab jo hamare goals jo hai na, hum apne goals se दूर जा रहे हैं। ये है नहीं, हम अपने गोल्स को फोकस करें, उसी पे काम करें, पहुंच जाएंगे। देखें वो जो कहते हैं ना, फॉर थाउजेंड ऑफ द माइल्स यू हैव टू वॉक फॉर द फर्स्ट माइल। आपको शुरुआत तो करनी है ना। आप सिर्फ सोच रहे हैं बैठे हैं कि पानी पानी पानी, तो प्यासा ही कुएं के पास जाएगा ना, कुआं तो आपके पास चल के नहीं आएगा। तो आप अपने गोल सेट करें और बिस्मिल्लाह करके शुरुआत कर दें। यस, रिलेशनशिप का बड़ा मसला है। हम सारा दिन एक साथ रहते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये सही आदमी नहीं है। जैसे ही बंदा उठता है, अभी शायद मैं तो कहता हूँ गाड़ी में भी नहीं चढ़ता होगा, हम उसके खिलाफ बोलना बड़ा, वी आर एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स। हम कहते हैं ये सही नहीं है, इसने ये सही नहीं किया, ये देखा सही आपने, ये कर दिया। हमको इन चीज़ों से बाहर आना, रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने लोगों। हम तो वो मक्खी की तरह करते हैं जो सारी अच्छी चीज़ें छोड़ के जख्म पे आके बैठ जाती है ना। हमें लोगों के वीकनेसेस हैं, बिल्कुल हैं, वो तो एक है कि वीकनेसेस हैं, हमें उसमें पॉजिटिविटी ढूंढती है। इफ़ यू अलो मी, आई शैल टेल अबाउट इशफाक अहमद। उसने कहा था कि मैं एक मरतबा अपने भाई के साथ समर वेकेशंस के लिए गया, तो वहाँ मुझे गांव में 3 चीज़ें बहुत तंग की। एक ये था कि वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा थीं, दूसरी वो था कि वो उनके घोड़े थे, घोड़ों की एक वो स्मेल होती है, और तीसरा ये था कि हमारा आधा किलोमीटर दूर था बाज़ार, और फ्रिज विर्ज थे नहीं, तो मुझे 2 मरतबा वहाँ पैदल जाके सब्ज़ियाँ और ये ख़रीदना पड़ती थी। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज सिटी
आफ्टर टू डेज. लेकिन दो दिन में इसने ये सोचा कि मक्खियाँ तो इंसान की दोस्त हैं, ये तो बताने आती हैं कि यहाँ तो गंदगी है, क्यों ना इसको साफ कर दिया जाए. साफ किया, मक्खियाँ चली गई, मतलब हुआ कि मसला हल. फिर उसने देखा कि जो मेरे बच्चे हैं वो घोड़ों को देख रहे हैं, वो घोड़ों के लिए एक वो दरवाज़ा बना होता है ना लकड़ियों का, लाकड़ी दरवाज़ा जिनके जिसको बोलते हैं, तो वो उसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं. इसने कहा शहर में तो मैं इनको ले जाऊं 500-500 रुपए के इसके डेजम कार्स में और स्विंग्स में बिठाऊं, ये मुफ्त में इतने खुश हो रहे हैं, तो दिस इज़ ब्लेसिंग. और तीसरा, जब उन्होंने कहा मैं शहर जाता था तो एक बंदा किसी ऐसे उससे जो है ना बांसुरी बजाता था लकड़ी से, कि वो मुझे पसंद आती थी और मैं कहता था ये मुझे 2 मरतबा जाना पड़ता है, अगर 4 मरतबा आऊं तो बहुत खुश हूं. तो इसका आप देखें हाउ यू टेक द थिंग्स. हमें तो जो है ना हर वक्त गिलास भरा आधा भरा हुआ नज़र आना चाहिए. तो हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? जी सर, एबिलिटी टू हैंडल सर्टेन सिचुएशन. एबिलिटी देखें, आप अगर इस पर किताबें पढ़ लें एबिलिटी पे, हो सकता है 10% इम्प्रूवमेंट आ जाए. एबिलिटी ये है, दिल का पावर है. दिस इज योर पावर, दिस इज योर पावर. के एबिलिटी आपका है, दिस इज पावर ऑफ योर हार्ट, कि आप देखें नहीं दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, मुझे ये करना है. और ये मैं कहता हूँ कि मैं भी एक फ़कीर सैयद हूँ, जुनैद शाह. आप देखें जुनैद शाह ने ये कहा था, ये करके देखते, और करके देखने से होगा धूप आर, आप आगे निकल जाएंगे फिर. जी सर, इनसिक्योरिटी में भी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू हैंडल द सिचुएशन, सेल्फ वर्थ, एनजाइटी, एबिलिटीज, स्किल, वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, ये मैं वैसे डिस्कस डिटेल में कर चुका हूँ. अनसर्टेनिटी, सोशल बॉडी इमेज, हम कहते हैं ना हमारा बॉडी इमेज सही नहीं है, मुझे वो पता नहीं मुंह पे क्या आ गया है, मुझे ये आ गया, ये कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये हमारी है. हम अपने आप को ना खामा खा के एक्सक्यूजेस देते हैं. वो जो हम सिंधी में बोलते हैं ना, अगर आप समझ सकें तो उससे पूछा कि बाबा मुँह कौन धोते हो सही, तो चई साई गुर्बत है. मुँह धोने में कैडी गुर्बत है जो है. हम अपने आप को ना, वी आर वेरी गुड लायर्स, हम अपने आप को दिखा रहे हैं नहीं मेरे को ये हो जाएगा, मैं जाऊंगी, मैं मुझे ये कहेंगे, ये खामखा की इनसिक्योरिटीज हैं. दिस इज द $1 million क्वेश्चन, हाउ टू डील विथ इनसिक्योरिटीज. इसको आप अपने जहन में रखिएगा, पहली चीज कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर इस पर मैं आता हूँ. अच्छा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. देखें शेक्सपियर जो एक दिन अपने क्लास में बैठा हुआ था, तो खिड़की से बाहर देखा, एक हरनी को देखा, तो ही जम्प्ड फ्रॉम दी विंडो. और जब वो वापस आया तो लिटरेचर की जबान में कहते हैं कि ये शेक्सपियर बन चुका था. उसने क्या कहा, वहाँ से गया और फिर वहाँ से जाके एक वो जो स्टेज ड्रामा होता था ना वहाँ पे काम किया. उसको काम जो मिला था वो ये था कि कर्टिन का, पर्दा गिराने का और उठाने का, वो बड़ा सेंसिटिव जॉब होता है और इसकी अपनी स्किल्स थी. देखें वो अगर अपना डायलॉग कह चुका तो उसको पर्दा फौरन गिराना होता, और अगर कोई मतलब नया सीन शुरू होने वाला था तो उसको पर्दा फौरन उठाना है कि लोग देख तो सकें, ऐसे ना हो कि पर्दे के अंदर से वो डायलॉग बोल रहा है. फिर लोगों को वो समझाता था, ही वॉज अ सिंपल. देखिए आपको कोई भी काम मिला हुआ है, हम कहते हैं कि नहीं करना काम, ये तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, तुम्हारे को तनख्वाह इतनी मिलती है. सही, आई एम दिस टाइम आई एम मतलब एड्रेसिंग दिस फैकल्टी मेंबर्स, तुम्हारे को तनख्वाह इतनी मिलती है, तुम यही करना, इसे ज़्यादा नहीं है. आप करोगे ना तो काम निकल, उसका मैं आगे आपको कोई कोशिश करूँगा एग्जाम्पल दूँ, लेकिन काम करेंगे तो वो ज़रूर ज़ाहिर होगा. चोर भी रात को अगर चोरी करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह सही उसको भी गलत काम किया, अल्लाह सिंह उसको भी देता है. तो शेक्सपियर ने जब ये काम किया तो उसके बाद उसने 32 नावल लिखे, 32 नावल्स, जिसमें उसने दुनिया का हर कैरेक्टर लिखा है, हर कैरेक्टर उसके नावल्स में है. तो देखें ये है आदमी के सोच का तरीका, मेहनत का तरीका, अंदाज. हमारा बच्चे के तरह है, वो देख रहा है कि मैं आगे कैसे जाऊं, आगे तो रास्ता बंद है. ये आप देख रहे हैं रास्ता बंद है, किसी को खुला हुआ नशा रास्ता नहीं है, ये बंद है, आगे चलें.
लेकिन अगर जरा नजदीक आ जाए तो यहाँ से भी दो रास्ते निकलते हैं, उस रास्ते के बाद यहाँ से तीन रास्ते निकलते हैं, यहाँ से चार निकल रहे हैं, यहाँ से छह निकलते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे एक जीरो पॉइंट पे खड़े हैं ना, तो हम कहते हैं आगे कैसे जाएं, हो ही नहीं सकता। तो अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे डाल के आगे चलना शुरू कर देंगे तो रास्ते हैं, थोड़ा आप नज़दीक तो आए ना उसके, तो फिर आपको पता चलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर तो मेरे से बिल्कुल हो गई नहीं, ये नामुमकिन है, मैं पढ़ ही नहीं सकती इसको। आप किताब तो खोलें, पढ़ना तो शुरू करें, देन यू विल सी कि ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं समझ रही थी जी। ये इसके लिए बुकरात से किसी ने पूछा कि जी ये आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है? उसने कहा नहीं है, आप इतने इल्म के माहिर हैं, वो कैसे हुआ? तो उसने कहा इसके जवाब देने के लिए आई एम रिक्वायर्ड टू टेक यू टू द रिवर। उसको नदी पे ले आए और नदी पे सामने बिठा के थोड़ी देर के खड़े हो गए, उसको गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह नदी में डाला। उसने कहा बुकरात साहब क्या कर रहे हैं, बुकरात बुकरात, उसको डालता रहा, वो छुड़ाने की कोशिश है, उसने बुकरात, थोड़ी देर के बाद उसको निकाला। उसने क्या हुआ? उसने आप तो मुझे, मैं आपके सवाल पूछने आया हूँ, आप तो मुझे मारने के लिए ले आए। उसने जब मैंने तुम्हें डाला था नीचे, तुम क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था बस जिंदगी बच जाए। उसने कहा ऐसा ही होता है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो उसको इसी तरीके से मेहनत करो कि ये बस मुझे हासिल करना है, ये मुझे हासिल करना है। जब आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम जो है ना, अगर उसको अपने हार्ट एंड सोल से मेहनत करें तो हमें मिल सकती हैं जी। आप प्लीज़ अपने एक कॉपी से ना एक पेपर निकाल दें और मुझे भी एक पेपर से, एक पेपर बिल्कुल कॉपी से टोन आउट द पेपर, पेपर निकाल दिया, कॉपी से निकाल दे बाहर। निकाल दिया आपने पेपर? अगर निकाल दिया है तो ये जरा दिखा दें प्लीज, थैंक यू। अब मैं आपकी 100% जो है ना तवज्जा चाहूंगा, शायद रिपीट ना कर सकूं, जैसे जैसे मैं कहता चाहूं आप प्लीज वो करते रहिएगा ना, टाइम कम है, आप प्लीज ये एक्सरसाइज कर लें। इस पेपर को ऐसा फोल्ड कर लें, फिर इसको राइट कॉर्नर से थोड़ा इसका फाड़ दें, फिर इसको और फोल्ड कर दें, फिर इसको लेफ्ट कॉर्नर से फाड़ दें, फिर इसको और फोल्ड कर दें, फिर इसको लेफ्ट कॉर्नर से फाड़ दें, फिर इसको और थोड़ा फोल्ड कर दें और इसको राइट कॉर्नर से फाड़ दें। अब ये पेपर खोल दें, खोल दें प्लीज़ और ऊपर कर दें। हर एक का एक से दूसरा है, मतलब हम कोई दूसरी बात समझ रहे हैं। तो आप क्यों समझ रहे हैं कि आप इतना अच्छा समझदार हैं और आप जो बात हो रही है वो सही समझ रहे हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने पास रख के बैठे हुए हैं? ये नहीं है, हम बात एक हो रही होती है, समझ दूसरी रहे होते हैं। तो आपको जो है ना अपनी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए अभी ये पेपर तो छोड़ दें प्लीज़, और पेपर पेन हाथ में ले लें, थैंक यू, और इस पे लिख लें कि आपको जिंदगी में क्या बनना है। आई वॉन्ट यू शैल सी अ बिग ड्रीम। आप बता दें अपने आप को, मैं नहीं पूछूंगा क्या लिखा है, ना किसी को बताना, अपने आप को बता दें, अपने आप से सच बोल दें, व्हाट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, लिख लें प्लीज लिख लें। मैंने भी ऐसा ही किया था, एक मरतबा मैं किसी कोर्स पे गया हुआ था तो उस वक्त मैं एक ट्रेनी ऑफिसर शायद था, 1500 रुपये महीना मेरी सैलरी थी, देन आई हैड अ, वो जब वो कह रहा था कि आप लिखें, मैंने लिखा जनरल मैनेजर, और फिर मैं जो हूँ ना इस वक्त, मतलब वो जो बाकी मतलब
सैलरीज, कार्स, कंपनी मेंटेन कार, शेफर्ड, ये सब मिल गया जो मैंने उस वक्त लिखा था। तो आप अपना ख्वाब देखना अभी से शुरू कर दें। लिख लिया? थैंक यू। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए ना ये है कि जब जैसे एयर मार्शल नूर खान साहब रिटायर हुए थे, आपको पता है उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जंगों में, रिटायर हुए तो सदर प्रेजिडेंट अयूब साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने नूर खान साहब को पीआईए का चेयरमैन कर दिया। और वो जब वो पीआईए के चेयरमैन थे, ही वॉज ट्रेवलिंग टू द यूएस, यूनाइटेड स्टेट जा रहे थे, तो ही वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कॉकपिट जो होता है, जहाँ पे वो कैप्टन जहाज़ को कप्तान चला रहा होता है, उसके बिल्कुल बाहर इसकी सीट थी। तो जहाज़ में थोड़ा खड़खड़ हुई, कुछ आवाज़ें हुई, अनवांटेड वॉइसेस। तो उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, कॉकपिट का जो दरवाज़ा था ना, एयर मार्शल साहब, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ पीआईए, ही नॉक द डोर कॉकपिट एंड चेयरमैन, उसने पायलट ने पूछा, पाहिर आया तो उसने कहा, व्हाट हैपेंड कैप्टन? तो कैप्टन रिप्लाइड, उसने कहा, सर यू आर नथिंग टू डू विथ इट। वो अंदर जाके जहाज चलाने लगा। तो ये अपनी सीट पे वापस बैठ गया। और जब अमेरिका जहाज लैंड हो रहा था, तब तो हमारे पास ये मोबाइल फोन्स वाली फैसिलिटी नहीं थी, तो इसने अपने पीए को कहा, जो सेक्रेटरी था, उसने कहा कि कैन यू हैव दिस नंबर, टेलीफोन नंबर ऑफ दिस पायलट, वो कहाँ किस होटल में रह रहा है और उसका टेलीफोन नंबर हाथ करो। उसने कहा, छोड़ें सर, सर छोड़ें, गुस्सा ना करें, सर छोड़ें। तो उसने कहा, ना आई वांट हिज नंबर। तो व्हाट विल यू डू विद हिज नंबर? चेंज, आई वांट टू इनवाइट हिम एट द डिनर टुनाइट। उसने कहा कि सर आप छोड़ें उसको, उसको सारा ये था कि हो सकता है वो उसको कोई मतलब पनिश करेंगे, ही इज़ द चेयरमैन, उसके नीचे पता नहीं 300-400 पायलट हैं, फिर इतने सारे ऑफिसरान हैं, फिर ये हैं। तो उसने कहा, व्हाट यू विल डू विद दिस नंबर? ही आई विल इनवाइट हिम एट द डिनर। ही सेड, व्हाट विल यू डू विद हिम एट द डिनर? ही सेड, आई विल अपोलोजाइज, मैं इसे माफ़ी मांगूंगा, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने कहा, सर उन्हें बहुत कोशिश की, ही ट्राइड टू, मतलब कि सर छोड़ें बस हो गया। ही इन्वाइटेड द पायलट, ही हैड डिनर विथ हिम एंड देन ही रियली अपोलोजाइज। एयर मार्शल नूर खान ने, जो चेयरमैन था पीआईए का, पायलट को रात का खाना भी अपने घर खिलाया और कहा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर लें। जब वो पायलट गया तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि सर व्हाट यू डिड? उसने कहा कि मैं चेयरमैन जब अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, तो मेरे पीआईए के जितने अफसरान हैं जब गलती करेंगे तो सीना चौड़ा करके किसी से माफ़ी मांग सकेंगे, कहेंगे हमारे चेयरमैन ने भी माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगना, गलतियों को अपना को तस्लीम करना, हम लोगों के साथ जो है ना सारे रिलेशंस ख़त्म करके बैठे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में बैठे हैं, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, इनसे हमें बाहर निकलना है। तो ये था, लर्न टू से सॉरी। सॉरी जब आप कहेंगे ना, तो इससे आदमी की इज्जत कम नहीं हो जाती है, आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। थैंक यू। ये आपने सुना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कोई बता सकेगा इसका? जी प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, यस जी, थोड़ा डिफरेंट सोचें, थोड़ा बाहर सा सोचें। यस यस, फ्रॉम दिस साइड, यस। यस, जो आपको खुशी दे उस इनसिक्योरिटी के कॉन्टेस्ट में, बताया। अच्छा, मैं आई वॉन्ट टू टेक दिस एडवांटेज के है तो मेरा इनसिक्योरिटीज़ का ही, लेकिन ये आपकी मार्केटिंग का भी इसमें थोड़ा पहलू क्योंकि लगता है, और यू पीपल अभी आप इतने प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो हुआ ये कि एक बंदा आया, उसने बोला कि जी हम जो है ना फ्री रॉन्स राइटर्स हैं अमेरिका में, हम क्या करते हैं कि लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन वो हमें बोलते हैं,
हम उनके आधा आधा एक एक घंटा दो तीन मरतबा मुलाकात करते हैं, उनकी सारी चीज़ें पूछते हैं ज़िंदगी की और ये और ये, और फिर उनकी तरफ से एक बुक लिख लेते हैं और वो साहिब किताब हो जाते हैं और बुक पब्लिश हो जाती है। हम लोग पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। हम अगर वहाँ जब उसने कहा बुक पब्लिश हो जाए, फिर भी एक बुक पे हमें कोई 5 मिलियन 50 लाख रुपए बच जाते हैं। यहाँ तो कोई बुक पूरी लिखने के लिए 5 लाख रुपए भी देने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? हाँ, दिस इज़ द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो आपको भी शायद अपने मार्केटिंग के हिसाब से और इनसिक्योरिटीज़ को काम आएंगी। तो उसको उन्होंने जवाब दिया कि आप ये करें कि मिसाल एक किसी से जाके मिलें, जो उनको कहें कोई टेक्सटाइल सेक्टर का हो, कोई मोटरसाइकिल सेक्टर का हो, कोई स्टेट, आजकल स्टेट चल रही है जो प्लॉट्स की और बंगलों की बुकिंग, ये उन किसी भी एक सेक्टर को पकड़ें और उनको कहें कि सर हम एक सोवेनियर शाया करें, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, हम उसमें दे देंगे, उसकी इतनी फ़ीस है, और वो खुशी खुशी आपको वो दे भी देंगे। और आपने अगर वो जो है ना 200 आदमियों के हाथ कर लिए, वो आपको फीस दे देंगे, फिर उसमें एक सिंगर बुला लें, एक जो है ना कोई फंक्शन कर लें, और उनके हाथों से कहेंगे जी आप इनामात भी दे दें, इनाम भी वही स्पॉन्सर करेंगे, सब करेंगे, और आखिर में आप देखेंगे आपको बहुत सारा बचत हो गई। तो देखें, जो अमेरिकन कंसेप्ट उनका था वो यहाँ चल नहीं रहा था, तो उसका भी कोई हल है। हम तो यही हाथ रख के सर पे बैठ जाते हैं ना कि जी हमें तो यही पढ़ाया था, हमें तो यही सिखाया था, ये हो नहीं रहा है, और फिर इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो जाती हैं हमारी कि ये तो सारा गया, इसको कैसे करेंगे। तो हर चीज़ का प्रॉब्लम का हल है, आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे, सोचेंगे, लोगों से मिलेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं आपसे शेयर भी कर लूँ कि आज तक ज़िंदगी में जब मुश्किल तरीन टाइम होता है, हमेशा उसके अंदर ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे एक अलग तरीके से कैसे एक्सप्लोर होने की, और आज तक मैंने वो अचीव की है। जब मुश्किल तरीन होता है तो मैं एक ज़बरदस्त तरीके से निकल के आता हूँ। उसका मैं भी एक लाइव एग्जांपल दे दूँ। अभी सुबह मुझे एक बुक मिली, मैं पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि टॉमी है किसी का कुत्ता गया, तो वो उसको अपनी बच्चों की तरह अजीज था ना, ही वॉज़ वेरी सैड ओवर दिस। तो जब वो गुम हो गया, कि हफ्ते के बाद उसके के मोहल्ले में कोई लड़की रहती थी, वो ले आया, उसने तो बड़ा उसको ढूंढा था, नहीं मिली। उसके बाद उस लड़की से शादी हो गई तो शी वॉज़ ए टीचर, उसको ड्रॉप करना था, पिक करना था। उस वजह से एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसने कहा देखें इस टॉमी ने मुझे मरवाया, न ये गुम होता, न ये जो टीचर मिलती, न मैं शादी करता, न इसको स्कूल छोड़ने जाता, वेरी बैड लक। तो वो जब वहाँ गया, वहाँ उसको डॉक्टर ने कहा कि आपका सीटी स्कैन होगा। उसने कहा यही मैं सोचता हूँ, सीटी स्कैन कोई आम बात तो नहीं है, मतलब कोई ना कोई मसला हो गया, टॉमी भी बैड लक, इस टीचर भी बैड लक, एवरीथिंग इज़ बैड लक, मेरी बस बैड लक यहाँ से शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन की, जब वो आई उसकी मिसेज उससे मिलने, तो उससे भी वो सही मिला नहीं, सही मुँह नहीं दिया, बिकॉज सोच रहा था ये पता नहीं कौन से लोग मेरे ज़िंदगी में आ गए। जब उसका सीटी स्कैन हो गया, तो डॉक्टर ने कहा अब गुड न्यूज, अब अ बैड न्यूज़ एंड अ गुड न्यूज़ फॉर यू। उसने कहा बैड न्यूज़ पहले बता दें। उसने कहा बैड न्यूज़ ये है कि आपके जो हम सीटी स्कैन कर रहे हैं, तो ज़ख़म देख रहे थे, तो ज़ख़म तो इतना नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में ट्यूमर है। तो उसने कहा वही उसको हुआ कि ये है, और उसने कहा गुड न्यूज़ ये है कि ट्यूमर अभी शुरू हो रहा है, वैसे तो आपका सीटी स्कैन ही नहीं होता और आपको कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन ये क्योंकि अभी आपका एक्सीडेंट हुआ तो आए और सीटी स्कैन हुआ, तो ये अभी से हम निकाल देंगे। तो देखिए हम पता नहीं किस तरीके से सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ने यहाँ भी मुझे जो है ना फंसा दिया, कुदरत ने यहाँ भी मुझे मौका नहीं दिया। कुदरत हर वक्त हमें मदद दे रही है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना अल्लाह सही से कि जी जब आपको कोई नेक बंदा बुलाता है तो आप क्या कहते हैं, तो अल्लाह सही ने कहा लबैक, और उसने कहा जब कोई गुनाहगार बंदा आपको बुलाता है तो आप क्या कहते हैं, उसने कहा लबैक लबैक लबैक। उसने जब नेक बंदे को एक लबैक और गुनाहगार को 3 लबैक, तो अल्लाह सही ने कहा कि नेक बंदे को तो अपने नेकियों पे भरोसा होता है ना, वो बुलाता है, पता है उस नेकी की हुई है। गुनाहगार को तो ये होता है रहमत पे भरोसा होता है, मेरी रहमत पे। तो हमने तो रहमत पे भरोसा करना छोड़ दिया है, हम रहमत भी तो है उनकी।
और ये मैं तो आखिर में बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी बात हो गई तो अभी बता दूं कि जो लोग क्लिक कर गए ना दुनिया में, जितनी उन्होंने मेहनत की, जितनी उन्होंने चीज़ें की, लेकिन उनका सबब फिर नमाज और तहज्जुद है। वो जो है ना, वो अगर आदमी की ज़िंदगी में आ जाए तो आदमी की ज़िंदगी बदल ही जाती है। अच्छा, हम वी आर नाउ डिस्कसिंग NLP का किसी ने सुना है आप में से? ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये मतलब है, आप देखें, जब किसी ने उसका नाम सुना, स्क्वैश का चैम्पियन था जहांगीर खान जी। जहांगीर खान एक साल चैम्पियन, दूसरे साल चैम्पियन, तीसरे, सातवें, आठवें, पता नहीं कितने साल चैम्पियन रहा। फिर अंग्रेजों ने देखा कि ये इसमें जहांगीर खान में क्या चीज़ है कि यही चैम्पियन हो रहा है, हमारे लोग चैम्पियन नहीं हो रहे। इन्होंने इसको स्टडी की कि ये किस टाइम नींद से उठता है और सुबह नाश्ते में क्या खाता है, कितना ये जो है ना जॉगिंग करता है, कैसे पैदल चलता है। पता चला ये समंदर पे चलता है, ये जो है ना समंदर की वो जो रेत होती है इस पे चलता है, ये पत्थरों पे चलता है। वही ट्रेनिंग अपने लोगों को दी। आज हमारे को कोई फिर स्क्वैश का चैम्पियन नहीं बन सका, वही बन रहे हैं। उनका देखें 19-20 के फर्क से इंग्लैंड का पिछले 20 साल से ओपनर वही है। वही का मतलब है ABC चेंज तो हो रहा है लेकिन प्ले उसकी वही है। वही जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने उठा के कि इसको ये खाता है, ये ट्रेनिंग करता है, ये करता है, सारी चीज़ें उसी दूसरे ओपनर को ट्रेनिंग दे दी। तो ये जो NLP का कंसेप्ट है वो कहता है आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 लोग देखें, कॉपी पेस्ट करते हैं अपने ऊपर, आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाती। आप 5 लोगों को सिलेक्ट करें, उनकी आदतें अपने में ले आएं और आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी जी। ये मैं आपको पहले बता रहा था कि एक मैनेजर साहब गए अपने MD के पास, एंड शी टोल्ड हर कि देखें जो है ना मैं सारा काम करती हूँ लेकिन क्रेडिट जो है ना कोई दूसरा बंदा ले जाता है। तो उसने कहा कि आप बैठें, बेल बजाई और उसको अपने PN को कहा कि ब्रिंग ए जग ऑफ वाटर एंड ग्लास। वो ले आया तो उस MD ने उसको बोला, शी रिक्वेस्टेड हर कि आप इस गिलास में पानी भरें। उसने भरा, उसको फिर कहा नहीं, और तो उसने डर डर के भरा, अब बिल्कुल गिलास फुल हो गया था। उसने कहा इसमें और डालें। वो उसके मुंह में देखने लगी, उसने कहा आई एम सेइंग पुट मोर वाटर इन इट। थोड़ा डाला वो गिलास पानी नीचे, तो उसने कहा बट आई से पुट मोर वाटर इन दिस। उसने डाला और डालती गई, 3-4 जग उसने बुलाए और वो डालती गई। तो उसने कहा बाहर कभी लोगों को पता चल गया ना कि रूम में पानी, जग, सारा किस्सा पता चल गया? उसने कहा हाँ चल गया है, तभी तो लोग आ रहे हैं देखने के लिए। उसने कहा जब आप मेहनत करती हैं ना तो फिर एक जगह पे वो रुकती नहीं है, वो पता चल जाएगा कि मेहनत कर रहा है। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि जी मेहनत तो मैंने की थी और मार्क्स ने सर ने किसी दूसरे को दे दिए, या मेहनत तो मैंने की थी, प्रमोशन किसी दूसरे का हो गया। देखिए मेहनत, उसने उसको सारा जग में पानी गिलास में डालवाती रही, पहले वो सारी ऑफिस में फैला, फिर ऑफिस से बाहर, फिर कॉरिडोर, फिर दूसरी ऑफिसों। मेहनत तो के किसी जगह मेहनत की खुशबू रुक ही नहीं सकती है जी। आप अपनी अगर मेरी तरह से एक उंगली पकड़ लें, पकड़ ली, और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा दुख है, मसला, मैं नहीं पूछूंगा आखिर तक आपसे कौन सा है, ये नहीं है कि मेरी वजह से आप कोई आसान सा ढूंढ लें कि ये अगर पूछे जो ना अच्छा तो हम बता दें, मैं नहीं पूछूंगा। आप सोच लें आपको ज़िंदगी में क्या दुख सबसे ज़्यादा है, जो चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। होता है ना, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, किसी की डेथ हो गई है, शादी का मसला, अब आई डोंट नो, जो भी होते हैं। एक कर लिया, थैंक यू, दूसरी, फिर दूसरी उंगली पकड़ लें, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कोई ऐसा दुख है, मैं नहीं पूछूंगा, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, यहाँ आप सिर्फ अपने दिमाग में रखें, ये है। नाउ कम ऑन द थर्ड फिंगर, और अपना रख लें कि कोई है ऐसा दुख, ऐसा मसला जिंदगी में
कोई जो है ना मार्क्स कमा गई हो कहीं पे, कोई किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई ऐसा हो, कोई नाकामी कोई समझते हो, अगर हो गया है तो फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ, पांच हो गए। अभी ये जरा हाथ खोलें अपने सामने, यूं पांचवा मसले आपके सामने है। अभी ये हाथ जो है ना, लुक एट माय फेस, अपने मुंह पे जरा यूं रखें, अभी आपको दिखाई दे रहा है सही आगे से? आधा आधा दिखाई देता है, आधा नहीं, सही है ना? आप बंद कर लें इसको, हाथ को सामने ले आए, सामने ले आए प्लीज, इसको बंद कर लें मुट्ठी को और इसको पीछे रख लें, अभी आप दिखाई दे रहे हैं सब, तो यही करें, मसले हैं उसको पीछे रखें। हम क्या करते हैं, मसलों को मुंह पे रख के घूम रहे होते हैं, फिर बात तो मेरी आपसे हो रही है, मुझे वो याद आ रहा है कि मुझे उसको भी पैसे देने हैं, वो मेरे को ये भी काम करना है, मुझे ये भी है, हम अपनी सिक्योरिटीज़ में जो है ना उसी में रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ में, और हम अपने हर वक्त मसले अपने मुंह पे रख के घूम रहे हैं, हमें सारी बाकी जो है ना वो कह रहे तुम्हें क्या हो गया बहन, तुम्हें क्या हो गया जी, आपको क्या हो गया भाई, आपको क्या हो, क्योंकि हमारा जहन ही नहीं था, हम कुछ ये मसलों को पीछे रख के फिर ही चलना होता है। ये हमारा वो सवाल था कि हाउ टू डील विथ इनसिक्योरिटीज, चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल टेक्निक्स, तो मतलब हम इसी अब नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हम जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत चेंज जरूरी है, वो जरूर ले आए। श्योर इनसिक्योरिटीज आर इनवैल्यूएबल, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम खामा खा अपने दिमाग पे रख के बैठे हुए हैं। प्लान इंटरवेंशंस, कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के हकीकत जो नज़दीक होनी चाहिए, इनसिक्योरिटीज विद योर लव वंस, उनको हम खामा खा में रखें, उनके साथ नहीं हो। फाइंड पॉजिटिव गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड, इसमें मैं आपको एक बता दूँ कि एक जगह पे आपने उसका नाम सुना, अहमद फराज, अहमद फराज साहब किसी जगह पे गए, ही वॉज ए क्लैरिक, तो फिर क्लैरिक से तरक्की कर करके ये कोई 18 ग्रेड पे पहुंच गए, तो लोग जब तब वो ये नहीं था, सेल्फीज का ज़माना नहीं था, इतनी कैमराज नहीं थी, वही एक फ़ोटोग्राफ़र होता था जो फ़ोटो निकाल रहा था, किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे, तो वहाँ लोग जाके अपने बच्चों की अपनी घर वाली फैमिलीज की ना अहमद फराज साहब से फ़ोटो निकलवा रहे थे, तो वहाँ उसके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बैठा हुआ था ना, तो ही वॉज अनॉयड फ्रॉम द सिचुएशन, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं 22वें ग्रेड का आदमी हूँ, मेरे को तो कोई सलाम करने को भी तैयार नहीं है, और अहमद फराज को झुक झुक के सलाम किए जा रहे हैं और उसके साथ फ़ोटो निकाले जा रहे हैं, तो उसने वो अपना सिगार निकाला, पीना शुरू किया, और फिर चल के अहमद फराज साहब के पास आए और उससे पूछा, अहमद फराज डू यू नो इन व्हाट ग्रेड यू आर वर्किंग, उसने कहा जी सर आई एम इन ग्रेड 18, एंड व्हाट इज़ माय ग्रेड, कहा सर आपकी कोई 21-22वीं ग्रेड है, तो लोगों को बताया कि जी मैं 22 ग्रेड का आदमी हूँ और ये जो है ना ऐसे ही है, लोगों ने फिर भी उसको कोई सलाम नहीं किया। ये देखें, आप तो आपके हाथ में तो हुनर है, तो ये जो है ना आपके हाथ में हुनर है, आप जो है सुख, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये आदमी बड़ापन ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपको जब नौकरी में जाएंगे तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपकी कंपनसेशन क्या मिलेगी। मेरे हिसाब से जो, बल्कि मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उस हिसाब से बड़ापन आदमी का ये है कि किसी काम करने के बाद अगर आपको खुशी हुई है तो यू हैव डन अ गुड वर्क, फिर आपने अच्छा काम किया है। अगर आपको सिर्फ पैसे मिल गए, कितने भी पैसे मिल गए, लेकिन आपको दिल से खुशी नहीं हुई, तो वो बड़ापन नहीं है। तो ये जो आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस चीज़ों में काम कर रहे हैं, इसमें खुशी आपको बहुत होगी, पैसे भी मिलेंगे, खुशी भी होगी, तो आपको इनसिक्योरिटीज से निकलना होगा। गेट गुड स्लीप, हम जो है ना रात को सारा मोबाइल चला के और दोबारा दिन को जो है ना फिर इनसिक्योरिटीज में फंसे रहते हैं। फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज ज़रूरी, फूड का भी ख्याल रखें, सही चीज़ें खाएं,
और हम जो ये कोशिश कभी कभी करते हैं ना, अनचेंजेबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें हैं पहले से हैं तो उनको फिर अनचेंजेबल हैं, वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, हमारे पास एक मटियारी में ना एक बंगाली डॉक्टर था, तो हर मर्ज का उसके पास इलाज था। बिफोर कमिंग दिस लास्ट स्लाइड, उसका मैं बता दूं, डॉक्टर अफसर बंगाली डॉक्टर था, उसके पास हर मर्ज का इलाज था। लोग उसके पास जाते कि जी मुझे कैंसर हो गया है, मुझे हार्ट फेल, आजकल तो ये है ना कि मुख्तलिफ हैं जो है वो उसको एस्पिरिन कोई गोली देता, कुछ ऐसे छोटे टेबलेट्स देता और वो ठीक हो जाता। तो एक बंदा उसके पास गया, पूछा, डॉक्टर साहब ये आपके पास हर मर्ज का इलाज है, क्या करते हैं? तो मैं आपको इनसिक्योरिटीज़ के लिए यही बता रहा हूँ कि वो कहता है कि मैं ये करता हूँ, उसको बोलता हूँ तुम्हारे वालदेन हैं, वो कहता है हाँ हैं। तो मैं कहता हूँ दिन में सुबह दोपहर शाम इनके साथ बैठा करो, इनको जो है ना इनके साथ मिला करो, इनके हाथ चुमा करो, इनके साथ आधा आधा घंटा गप लगाया करो, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। और अगर वो कहता है वालदीन नहीं है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे बच्चे हैं, वो कहता है बच्चे हैं, तो वो बच्चों के साथ आप जो है ना सुबह दोपहर शाम बैठा करें, उनको गोद में उठाएं, उनके साथ गप लगाएं, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई कहता है कि वालदीन भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ कोई वेलफेयर का काम करें, किसी दूसरे आदमी को खुशी दें। फिर वो कहता है कि वो जो कहता है कि ऐसा कोई काम जिसमें आदमी को बीमारी ही ना हो, तो डॉक्टर साहब बोलते थे फिर आप ये तीनों काम करें, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो देखें, हम जो है ना, अगर ये हमारी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना है तो हमें ये काम करने पड़ेंगे। जी, आपने वो 50 रुपये का नोट संभाल के रखा था, काइंडली वो खोल दें। नहीं जी, निकाल दिए आपने 50 रुपीज में। जी, अब इससे क्या मिलेगा, कोई चेंज? मतलब है कि आपकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने मसले आए, कितने आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करें, तो आप जो है वो समझें कि आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। हुई इसकी वैल्यू कम हुई? तो आप मेहरबानी करके इसको या तो फ्रेम करके घर वहाँ रखवा दें, या कुछ चीज़ इसे ले लीजिएगा, लेकिन फ्रेम करके रखवा देंगे तो आपको याद रहेगा। जब आपको कोई इनसिक्योरिटी हो तो उस फ्रेम को देखिएगा, या किसी बुक में रख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना हमारी वैल्यू कभी कम नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि एक बंदा था जो एक बोट बना रहा था ना, किश्ती, तो लोगों ने कहा कि ये किश्ती नहीं बनेगी। हमें भी यही होता है ना, लोग भी बड़ा परेशान करते हैं ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो वो बन गई, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो चल गई। जब चल गई तो उन्होंने कहा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो आप अपना काम शुरू तो करें, फिर देखें क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू सो मच सर।